राजस्थान कांग्रेस संकट थमने का नाम नहीं ले रहा, ना अशोक गहलोत ने सीएम की कुर्सी छोड़ी और ना ही सचिन पायलट की ताजपोशी हुई। राजस्थान की सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस चुनावी दौरे के मोड में नजर आ रही है। इसकी एक झलक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के हाड़ौती अंचल के दौरे से देखने को मिल रही है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत खेमे से सचिन पायलट के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के गढ़ माने जाने कोटा और भाजपा नेता व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के किले माने झालरा पाटन तक का दौरा किया। सोमवार को हाड़ौती दौरे में सचिन पायलट ने एक तीर से कई निशाने साधे, यहां तक कह डाला कि दिल्ली की सत्ता में बैठकर लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। सचिन पायलट कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह व झालावाड़ से पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत से मिलने तक उनके घर पहुंचे। इनके पहले 4 अक्टूबर को सचिन पायलट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलने भी उनके घर गए थे। इधर हाड़ौती के दौरे पर सचिन पायलट सबसे पहले कोटा आए और फिर सड़क मार्ग से भाजपा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के विधानसभा क्षेत्र झालरा पाटन पहुंचे। रास्ते में कई जगह पर सचिन पायलट का स्वागत किया। राजनीति के जानकार इसे सचिन पायलट के चुनावी दौरों की शुरुआत मान रहे हैं। झालावाड़ से कोटा लौटते समय सचिन पायलट कोटा में गुमानपुरा स्थित सांगोद विधायक भरत सिंह के घर पहुंचे। वहां करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच अकेले में बातचीत हुई। विधायक भरत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से किसी के गुट में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।